मेरे तो जबान का टेस्ट खराब हो जाता नाम लेने से, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। अभी यहाँ पर जो अनुराग जी ने वो किस्सा सुनाया शुरुआत में ही, मेरे तो जबान का टेस्ट खराब हो जाता नाम लेने से, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। भूपेंद्र हुड्डा जी एक खास आदमी है, उनका कोई उससे अपनी दाढ़ी बनवाते हैं तो वो दाढ़ी बनाने के लिए आया वो व्यक्ति, और भूपेंद्र हुड्डा जी के सामने दाढ़ी बनाते बनाते उसने कहा, जी आम आदमी पार्टी का चर्चा तो बहुत हो रहा है जमीन के ऊपर, इतना सुनना था। भूपेंद्र हुड्डा जी बोले, चुप, क्या बकवास कर रहा है ये तू, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं। तो चुप हो गया भाई, हुड्डा साहब के सामने दबता होगा, चुप हो गया। अगली बार फिर दाढ़ी बनाने पहुंचा, अब मन में जो बात है जो हर जगह सुन रहा है, चुप कैसे रहे। तो उसने फिर कहा, कह जी हुड्डा साहब आप गुस्सा तो करोगे पर असलियत यह है कि जमीन पे चर्चा है आम आदमी पार्टी का आजकल। तो हुड्डा साहब तिलमिला गए, बोले क्या बकवास करता है, बार बार तू मेरे सामने आम आदमी पार्टी का नाम क्यों लेता है, क्यों बार बार आम आदमी पार्टी का जिक्र करता है। बोले हुड्डा साहब माफ करना, मैं तो इसलिए आम आदमी पार्टी का नाम लेता हूं कि आम आदमी पार्टी का नाम लेते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दाढ़ी बनानी आसान हो जाती है। इन्होंने तो नाम ले दिया था, और मेरा नहीं, हरियाणा से जो प्यार करते हैं, जो हरियाणा को एक रखना चाहते हैं, जो हरियाणा को आगे बढ़ाना देखना चाहते हैं, वो ऐसे लोगों से सबका टेस्ट खराब हो जाता है जबान का, मेरा नहीं, हजारों लाखों लोगों का। तो इसलिए साथियों, और मैं कह रहा था गुप्ता जी को, मैंने कहा ये इन्होंने ये कर दिया, मैं इसको समाप्त, मैं इसका जवाब मैं दूंगा। ये कह रहे थे ना कि भाई बाल खड़े हो जाते हैं, ये तो उल्टा है। अगर वो कुर्सी पे बैठा होता ना जो इसमें जो बाल खड़े कर रहा था, और उस तरह दूसरे के में होता और आम आदमी का जिक्र हो जाता। अनुराग जी, अगर सिचुएशन उल्टी होती, उस तरह दूसरे के हाथ में होता, तो उसका दूसरी बार में मर्डर हो जाता, ये मेरी गारंटी है। आपने देखा महाराष्ट्र का उदाहरण आपके सामने है कि पहले शिवसेना तोड़ी, अब एनसीपी तोड़ी, और इस मंच से भविष्यवाणी हमारी भी है कि कांग्रेस भी नहीं बचती भाई, वहां भी उसको तोड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो यहां भी तोड़ लेंगे। लेकिन आप जाके देखो, हरियाणा का एक इंच जमीन हुड्डा साहब ने और इनकी सरकार ने नहीं छोड़ा, जहां पाए वहां कब्जा। गलत कह रहा हूं मैं? चारों तरफ कब्जा, जमीन की जो दलाली हुई। हम कहते हैं कि धरती हमारी मां होती है, जो लोग जमीन की दलाली करते हैं वो अपनी माता की दलाली करते हैं। कितनी गंदी बात।